नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड्स, आपके बिहार में एक बार फिर से मैं नई भर्ती की सूचना लेकर आ चुका हूं, जिसका आवेदन भी यहां पर शुरू है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, आप लोग आवेदन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 10वीं पास क्वालिफिकेशन बताई जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप 10वीं पास कर रखे हो तो आवेदन कर सकते हो, और इसकी लास्ट डेट यहाँ पर 16 तक बताई जा रही है। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं एंड A to Z डिटेल देते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, लीगल वॉलंटियर पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। अब ये लीगल वॉलंटियर क्या है आपको आगे चल के नोटिफिकेशन में बताएंगे, आपको काम क्या करना होगा, कैसे आवेदन करना होगा, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, यानी कि ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। चलिए अब ले चलते हैं नोटिफिकेशन पर। हे फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के पारा लीगल वॉलंटियर्स स्कीम रिवाइज्ड के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली जा रही है। कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे ये जानना बहुत ही जरूरी है। सो गाइज, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकारी गया द्वारा पारा विधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है। तो आप लोग देख पा रहे हो विधिक स्वयं सेवकों के लिए ये यहाँ पर आवेदन मांगा जा रहा है। यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है, तो पहले ही बता दिया जा रहा है यहाँ पर कि ये सरकारी वैकेंसी नहीं है। केवल यहाँ पर आप देख पा रहे हो यह चयन सामान्य 1 वर्ष के लिए होगा, जो आपका यहाँ पर चयन किया जा रहा है केवल 1 वर्षों के लिए किया जा रहा है। कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान के रुचि रखते हैं तथा उनके लिए कार्य करना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। फिलहाल आगे चल के मैं क्वालिफिकेशन में ये बातें बता दूंगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया कि पारा विधिक स्वयं सेवक के कार्य क्या है। पारा विधिक स्वयं सेवक यानी कि आप लोगों का जब चयन किया जाएगा तो आपको कार्य क्या करना होगा, अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला विधिक से प्राधिकारी के बीच सेतु कार्य प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सहायता केंद्र में विधिक सेवा का कार्य, और यहाँ पर देख पा रहे हो अन्य कोई भी कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकारी को सौंपे जाते हैं, यानी कि एक तरह से सामाजिक कार्य आप लोगों से किए जाएंगे। और यहाँ पर देख पा रहे हो पदों की संख्या की बात कर लेते हैं, तो टोटल यहाँ पर पदों की संख्या 50 बताई जा रही है, ठीक है। पदों की संख्या यहाँ पर 75 बताई जा रही है, माफ़ कीजिए, पदों की संख्या यहाँ पर 75 बताई जा रही है। साथ में जिला विधिक सेवा प्राधिकारी गया के लिए 50 है, जो यहाँ पर गया उनके लिए 50 है, एवं अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति शेरघाटी के लिए यहाँ पर 25 है, 25 पद है। तो यानी इस तरह से टोटल यहाँ पर 75 पद हो रहे हैं। चूँकि पारा विधिक स्वयं सेवकों से गाँवों या गाँवों के समूह में कार्य लेना है, अतः जिला के सभी क्षेत्रों से पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जाएगा, ठीक है। एंड आरक्षण की बात कर लेते हैं, तो जो भी बिहार सरकार द्वारा आप लोगों को आरक्षण दी जाती है वो मिलेगा, क्योंकि पारा विधिक स्वयं सेवकों को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ से कार्य करना है, या कोई सरकारी पद भर्ती नहीं है, अतः पदों का आरक्षण नहीं है, और परंतु स्कीम के अनुरूप सभी वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। एंड यहाँ पर देख पा रहे उम्र सीमा आप देख पा रहे, न्यूनतम यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अधिकतम उम्र की कोई सीमा यहाँ पर नहीं रखी गई है। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता एवं आवेदन जमा करने का पता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपका आवेदन लिया जा रहा है वो ऑफलाइन, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑफलाइन आवेदन आपका लिया जा रहा है, और आवेदन विहित प्रपत्र के पूरी तरह भर सकते हैं तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र लगाकर पंजीकृत डाक से या हाथों हाथ निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं। आप डाक के द्वारा भी भेज सकते हो और हाथों हाथ भी जमा कर सकते हो, ठीक है। हाई स्कूल के अलावा और भी जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी क्वालिफिकेशन से वो लगा सकते हो। यहाँ पर देख पा रहे हो आवेदन भेजने का पता दिया गया है, ठीक है, पता आप अच्छे से नोट कर लीजिए। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गया, व्यवहार न्यायालय गया, बिहार, पिन कोड इतना यहाँ पर दिया गया है। और गाइज हम आपको बता दें आप लोग डायरेक्ट हाथों हाथ भी इस पते पर जाकर जमा कर सकते हैं। एंड आप लोग देख पा रहे हो आवेदन करने की तिथि आप एक बार यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। आवेदन करने की जो तिथि है यहाँ पर दिनांक 29 फरवरी 2020 से, यानी कि आवेदन आपका शुरू है, लास्ट डेट यहाँ पर 16 ठीक है मार्च बताया जा रहा है। तो आप लोग आवेदन 29 से कर रहे हो, यानी कि आवेदन शुरू है 16/3/2020 इसकी लास्ट डेट है। अब बात कर लेते हैं मानदेय की, यानी कि आपकी सैलरी, तो मानदेय रुपया यहाँ पर 500 प्रतिदिन,
ठीक है, 500 रुपये प्रतिदिन यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, यानी कि पर डे आपको 500 मिलेंगे, परंतु यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए देय होगा जिससे दिन विधिक सेवा प्राधिकारी उन्हें कोई विशेष कार्य करने हेतु सौंपती है। यह पारा विधिक एवं स्वयं सेवक गांव से किसी भी व्यक्ति को विधिक सेवा हेतु विधिक सेवा प्राधिकार या ADR केंद्र में ले आते हैं या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन से सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, तब आपको 500 यहाँ पर दिया जाएगा। अब समान उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग एक बार इसको भी देखिएगा जरूर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि समान उद्देश्य में कि आवेदक भारत का नागरिक हो, स्वास्थ्य हो, अच्छा चरित्र हो, समाज सेवा में रुचि रखता हो, गया जिले का निवासी हो, आवेदन अपना स्वयं पता लिखा लिफाफा जिस पर निबंधित डाक टिकट लगा हो और आवेदन के साथ संकलन करे, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। और यहाँ पर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकारी गया के सिग्नेचर्स हैं, ये आपको यहाँ पर फॉर्म्स दिखाए गए हैं, ठीक है, ये आपका पूरा फॉर्म है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको फॉर्म को फिल कर लेना है, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, स्थान लिखना है, दिनांक लिखना है, किस जगह से आप भेज रहे हो वो स्थान आपका यहाँ पर होगा, आपका प्लेस, फिर दिनांक होगा। फ्रेंड्स, जिस एड्रेस पर भेजना है मैंने आपको बता दिया है, एड्रेस आप अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं अगर रिकमेंड करता हूँ, यदि आप इस जॉब के लिए रुचि करते हो तो डायरेक्ट हाथों हाथ जाकर जमा भी कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा, या फिर AK ऑनलाइन पॉइंट डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, आपके नोटिफिकेशन वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। जानकारी कैसी लगी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।